हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और कल के वीडियो में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म से संबंधित। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि आखिरकार धर्म है क्या, धर्म की संकल्पना की बात की थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जो धर्म है उसको दो आधारों पर बांटा जा सकता है। एक तो जिसमें ईश्वर की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार किया गया है, मतलब जैसे आप धर्म ये भौतिक धर्म देख रहे हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, ये सब क्या है, जिसमें ईश्वर की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार किया गया है। एक धर्म ऐसा भी जिसमें ईश्वर की कोई सार्वभौम सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया गया, वो धर्म हमारे देखा जाए तो जो भारतीय समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें एक बहुत ही लंबे अरसे से चला आ रहा है। उसकी जो मान्यता है वो काफ़ी प्राचीन मान्यता है, जिसमें पितृधर्म हम देख लें, पुत्र धर्म देख लें, मात्र धर्म देख लें, राज धर्म देख लें। मतलब कि अगर धर्म से, अगर सीधे धर्म को अगर रिलेट करें तो धर्म का सीधा सीधा सा अगर मतलब निकलता है, धर्म का सीधा सीधा सा अगर हम रिलेट करें उसे, तो कर्तव्यों के पालन से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि आखिरकार धर्म क्या है, तो धर्म कुछ नहीं, एक कर्तव्यों का पालन है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी मैंने आपको बताया था कि इसी के संदर्भ में यही कहा था कि अपने कर्तव्यों का नीति पूर्वक पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, मानवता को सबसे महत्वपूर्ण धर्म बताया महात्मा गांधी ने। कल के हम लोगों ने टॉपिक में सनातन धर्म, जिसको बाद में कालांतर में हिंदू धर्म कहलाया, सनातन धर्म के बारे में हमने देखा और इस्लाम धर्म के बारे में देखा। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म को, यहूदी को, पारसी को और सिख को। देखिए, दो ही महत्वपूर्ण भारत के, क्योंकि दो हिंदू और जो इस्लाम धर्म है ये भारत के महत्वपूर्ण धर्म है। जो नंबर ऑफ मेजोरिटी है वो इस्लाम और हिंदू धर्म की है, बाकी सभी जो धर्म के फॉलोअर्स हैं वो काफी सीमित मात्रा में है, काफी कम है। तो अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं तो जल्दी ही कवर हो जाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी को देखते हैं। तो देखिए, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की शुरुआत, अगर आप कहें कि ईसाई धर्म के जो प्रेरणा हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म की नींव डाली, तो ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म की नींव डाली गई। ईसा मसीह की ही जो जन्म का समय है उसी से हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा बाद की जो इतिहास को जो हम रिलेट करके पढ़ते हैं, तो उसको हम ईसा मसीह के धर्म से ही रिलेट करके पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह के द्वारा ही ईसाई धर्म की स्थापना की गई। ईसाई धर्म की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, या अगर हम कहें कि इस धर्म के पीछे की महत्वपूर्ण इसका दर्शन क्या है, तो ये जो ईसाई धर्म है ये भी एक ईश्वरवाद पर विश्वास करता है, यानी एक ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है। बहुदेववाद का इसने भी खंडन किया, इसने ईसाई धर्म ने। तो इसमें लिखते हैं कि ईसाई धर्म भी ईसा मसीह द्वारा स्थापित एक ईश्वरवाद का समर्थन या ईश्वरवाद पर विश्वास करने वाला, ईश्वरवाद पर विश्वास रखने वाला धर्म है। ठीक है, इसने भी अपने सेशन में क्या बताया, इसने भी ईश्वरवाद पर विश्वास रखने पर बल दिया। साथ ही साथ इसके अगर हम दर्शन की बात करें, तो ईसा जो ईसाई धर्म है इसने अपने दर्शन में मानवतावाद पर बल दिया। ठीक है, इसने मानवतावाद के साथ ही साथ इसने प्रेम की भावना पर बल दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे इसके दर्शन में क्या है, मानवतावाद एवं सदाचार, मानवतावाद एवं सदाचार पर बल दिया इसने ईसाई धर्म। इस ईसाई धर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी जो उदय है वो जेरूसलम से ही होता है। ईसाई धर्म का उदय जेरूसलम से ही हो रहा है, यहूदी का भी जेरूसलम से ही होगा। तो ईसाई धर्म का उदय जेरूसलम से होता है। जेरूसलम से में उदय होने के पश्चात ये धर्म पश्चिमी देशों की ओर इस धर्म का विकास हो गया। इसमें हम देखेंगे कि जब जेरूसलम में इसका इस धर्म का उदय हुआ, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस धर्म का उदय कहां होता है, देखिए जेरूसलम में, जेरूसलम में इसका उदय हो रहा है। और अपने उदय के पश्चात अब ये धर्म पश्चिम देशों की ओर प्रसारित हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही समय पश्चात ये जो धर्म है
ये दो मान्यताओं में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जो ईसाई धर्म है ये दो मान्यताओं में विभाजित हो जाएगा, एक कैथोलिक, यानी जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो जाएगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जो ईसाई धर्म है ये दो भागों में विभाजित हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में विभाजित हो गया। अब हम देखेंगे कि कैथोलिक धर्म को पहले हम देखें, तो जो कैथोलिक धर्म है ये जब जेरुसलम से बाहर निकला, तो जेरुसलम से बाहर निकलने के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, तो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनमें इस कैथोलिक धर्म का विस्तार हो गया, पूर्वी यूरोप में कैथोलिक धर्म का प्रसार हो गया। और अगर हम प्रोटेस्टेंट को देखते हैं तो प्रोटेस्टेंट का विकास हुआ अमेरिका सहित जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, अमेरिका सहित जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं इनमें इस प्रोटेस्टेंट धर्म का विस्तार हुआ। अच्छा, ईसा मसीह के बारे में दो तीन पॉइंट, जैसे कि उनको सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है, एक सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, तो दो चीजें ईसाई धर्म में ईसा मसीह के बारे में कही जाती है, सन ऑफ गॉड और सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये पूछ लिया जाते हैं कभी कि जो ईसाई धर्म है ये किन दो भागों में पहले विभाजित हुआ, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक धर्म है ये पूरी यूरोप में इसका विस्तार हुआ, और पूरी यूरोप में इस कैथोलिक का जो सबसे प्रमुख धर्म गुरु है उसको पोप कहा जाता है, ठीक है। तो पोप कौन है? पोप ये पूरी यूरोप के जो देश है जो कैथोलिक जो इसका ईसाई जो कैथोलिक सभा है इसको जो फॉलो करते हैं, उन देशों में सबसे प्रमुख धर्मगुरु कौन है? पोप। और ये सभी पोप को भी अपना सबसे सर्वप्रमुख धर्मगुरु स्वीकार करते हैं। वही अगर आप प्रोटेस्टेंट को देखें तो प्रोटेस्टेंट अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। इधर ये जो है ये पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जहां पूर्वी यूरोप के देश पोप को प्रमुख धर्मगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, वहीं पश्चिमी यूरोप के देश या प्रोटेस्टेंट अगर देखते हैं अमेरिका देखते हैं तो पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। इस ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख जो धर्म ग्रंथ है ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ, सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ ये सबसे प्रमुख जो पुस्तक है तो क्या है? सबसे प्रमुख पुस्तक है बाइबल। ये बाइबल भी दो भागों में बटी हुई है, एक को कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरे को कहते हैं हम न्यू टेस्टामेंट। देखिए ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये यहूदियों की सबसे प्रमुख पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, और न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों की प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट जो सेक्शन है जो भाग है वो ईसाइयों की प्रमुख पुस्तक है, और जो ओल्ड टेस्टामेंट वो यहूदियों की प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। अब ये जो कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट है इनका विभाजन कैसे हुआ तो ये देखेंगे। तो देखिए जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है ये दो भागों में विभाजित, दो शाखाओं में विभाजित हो गए, जैसे कि हम बौद्ध धर्म को देखेंगे उसमें हीनयान और महायान संप्रदाय में बढ़ जाता है, वैसे ही जो ईसाई धर्म है ये भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हो गया। तो जो कैथोलिक के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ईसाई धर्म को एज इट इज वैसे ही स्वीकार कर लिया, जैसे वो अपने मूल रूप में था वैसे ही स्वीकार कर लिया। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट को जो प्रोटेस्टेंट जो शाखा है ब्रांच है उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ईसाई धर्म में कुछ परिवर्तन करके, ठीक है, कुछ जो उसके जो मुख्य जो बातें हैं उनमें कुछ परिवर्तन करके और उसको फिर उसके परिवर्तित रूप को स्वीकार किया। तो इसको याद रखना है, यानी जो कैथोलिक है कैथोलिक है इन्होंने ईसाई धर्म को मूल रूप में स्वीकार किया, उसका मूल रूप स्वीकार किया, और जो प्रोटेस्टेंट है प्रोटेस्टेंट ने इसका परिवर्तित रूप स्वीकार किया, ठीक है।
ईसाई धर्म का, लेकिन दोनों ही भले ही ये दो शाखाओं बढ़ गए थे, लेकिन ये दोनों ही, इन दोनों की ही जो मान्यता है, जो फेथ है, वो बाइबल के ऊपर और जो ईसा मसीह है उसके ऊपर दोनों की फेथ है। ठीक है, भले ही ये दो भागों बढ़ गए हैं, बट बाइबल और ईसा मसीह दोनों के ही प्रमुख, दोनों में ही सर्वोच्च पद रखते हैं। ठीक है, अब ये एक पहले तो ये कैथोलिक और पुस्तराइट में बाइबल, ये बाइबल का जो ईसाई धर्म है इसका विभाजन हुआ। फिर हम देखते हैं कि इसी ईसाई धर्म के अंतर्गत ही कुछ नए धर्मों का भी उदय हुआ। जो ईसाई धर्म है, इस ईसाई धर्म के अंतर्गत ही कुछ और भी नए धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के अंतर्गत कुछ और भी नए धर्म का उदय हुआ, जैसे कि मेथोडिस्ट। ठीक है, जैसे कि मेथोडिस्ट हो गया, लूथरवाद हो गया, कार्विनवाद हो गया, मेथोडिस्ट, लूनरवाद और कार्विनवाद। ठीक है, तो ये भी तीनों ईसा, ये भी तीनों जो है, जो ईसाई जो धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसके अंतर्गत ही उदय हुए नए धर्म है। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, हुआ कहा, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन के अंतर्गत ही बौद्ध और जैन का उदय हुआ। वैसे ही हम देखेंगे कि जो ईसाई धर्म है उसके अंतर्गत ही मेथोडिस्ट, लूनरवाद और कार्विनवाद, इन तीन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, पहले तो ईसाई कैथोलिक और पुस्तराइट में विभाजित हो गए, फिर ईसाई धर्म के अंतर्गत तीन नए धर्मों का उदय हुआ, मेथोडिस्ट, लूनरवाद और कार्विनवाद। अच्छा, एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, इस मार्टिन लूथर को भी प्रोस्टेराइट धर्म का प्रणेता माना जाता है। यानी माना जाता है कि जो मार्टिन लूथर है, इनके द्वारा ही जो प्रोस्टेराइट जो ब्रांच है उसका विकास किया गया। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। मार्टिन लूथर को ही क्या माना जाता है, मार्टिन लूथर को इस प्रोस्टेराइट जो ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, इसका विकास किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। ईसाई धर्म का उदय हमें ध्यान देना है कहाँ हुआ, सो यरूशलेम में होता है, यरूशलेम में ईसाई धर्म का उदय हुआ, यानी कि और उसके बाद उदय के पश्चात क्या हो रहा है, ईसाई धर्म पश्चिम देशों की ओर ईसाई धर्म का प्रसार होगा। ठीक है, प्रसार से पहले ही जो ईसाई धर्म है ये दो शाखाओं में बढ़ गया। कौन सी दो शाखा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो शाखा है इसने ईसाई धर्म को मूल रूप में स्वीकार कर लिया, और यरूशलेम से निकलने के पश्चात जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनमें ही इसका विकास हो गया, उनमें ही प्रसार हो गया, और एक पोप, पोप इस पद का सृजन हुआ, और वो क्या हुआ, कैथोलिक का सबसे प्रमुख धर्म गुरु के रूप में शामिल हो गया। ठीक है, अब पोप जो है, हम देखेंगे कि बहुत सारी क्रांतियां भी हुई कि पोप की ही जो सत्ता है उसको ही चुनौती देने का प्रयास किया गया, उसको जो है, इसे अगर रूस में देखते हैं, यही उसके पीछे भी जो क्रांति हुई उससे यही कारण था, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई यही कारण था, क्योंकि अब जो धार्मिक गुरु है वो धर्म के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा था, तो क्रांतियां जो मुख्य रूप से हो रही है यूरोप में सब इसी कारण से हुई। ठीक है, जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो कैथोलिक जो है उनके प्रमुख धर्म गुरु कौन कहलाए, पोप कहलाए, और पोप ही एक धर्म का तो पूरा संचालन कर ही रहे थे, साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। फिर उसके बाद दूसरा उसका जो पार्ट है प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्टेंट जो ब्रांच है उसका विकास किसने किया, मार्टिन लूथर ने। अब जब मार्टिन लूथर ने इस प्रोटेस्टेंट ब्रांच का विकास किया, प्रोटेस्टेंट का विकास किया, अब वो यरूशलेम से निकल करके प्रोटेस्टेंट अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में उनका विकास हो गया। ये पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर ईसाई धर्म के अंतर्गत तीन नए धर्मों का उदय हुआ, मेथोडिस्ट, लूनरवाद और
कार्बिन वाला, ये हमने देख लिया। अब जो है हमें देखना है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, ठीक है, भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की बात करेंगे। तो 51 AD में सेंट थॉमस, 51 AD में सेंट थॉमस भारत आते हैं और सेंट थॉमस के आगमन के साथ ही भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। तो जो सेंट थॉमस है, सेंट थॉमस के भारत आगमन के साथ ही जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश होता है तब 51 AD में, ठीक है। तो ये जगह कभी आपसे पूछ रहे थे कि सेंट थॉमस सबसे पहले भारत कहां आए थे, तो केरल में, ठीक है। आगे हम देखें केरल में ही 52 AD में ही सबसे पहले मस्जिद का निर्माण, चर्च का निर्माण किया गया था। अब उसको आगे देखेंगे। तो पहले तो 51 AD में सेंट थॉमस के भारत आगमन के साथ ही जब केरल में उनका आगमन हुआ तो उसके साथ ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश हुआ। फिर इसका जो देखा जाए व्यापक रूप से सही मायने में जो इसका विकास हुआ वो हुआ 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 का जो एक्ट आया, इस 1813 के एक्ट में क्या था कि जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने एवं धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिली और साथ ही साथ ईसाई जो मिशनरी हैं उनको अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी छूट मिली, ठीक है। तो 51 AD में सेंट थॉमस भारत में प्रवेश किया, उसके साथ ईसाई धर्म का भारत प्रवेश किया। उसके बाद अगर हम विकास को देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सही मायने में भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, ठीक। अगर देखें कि विश्व की सबसे प्राचीन चर्च कहाँ है, तो विश्व की सबसे प्राचीन चर्च का नाम है सिनेकल। भारत की सबसे प्राचीन जो चर्च है वो है कैथोलिक चर्च केरला में, कैथोलिक चर्च केरल में, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन कब इसका निर्माण हुआ, तो 52 AD में। 51 AD में सेंट थॉमस का प्रवेश, सेंट थॉमस आगमन होता है केरल में और अगले साल 52 AD में कैथोलिक चर्च का निर्माण किया जाता है केरल में, जो कि भारत की सबसे प्राचीन चर्च है। और अगर इस जो सिनेकल चर्च है, ये क्या है, सिनेकल चर्च विश्व की सबसे प्राचीन चर्च है। देखो भाई, भारत और विश्व की सबसे प्राचीन चर्च। फिर अगर हम देखते हैं कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट चर्च कौन सी है, तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट चर्च है त्रिशूर केरल में, ठीक है। तो इंडिया की सबसे जो सबसे लंबी चर्च है, लॉन्गेस्ट चर्च, त्रिशूर केरल में। तो ठीक है, ईसाई धर्म के बारे में और कुछ नहीं खास। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हैं, ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा को या कैथोलिक शाखा को, या फिर जो अमेरिकन्स हैं अमेरिकन प्रोटेस्टेंट शाखा को फॉलो करते हैं, या फिर जो कैथोलिक ब्रांच है ईसाई की, ठीक है, क्रिश्चियनिटी की। तो आपको ध्यान देना है पूर्वी यूरोप वाले कैथोलिक को, बाकी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो सभी के सभी प्रोटेस्टेंट जो ब्रांच है उसको फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे यहूदी,
ठीक है, जो इसको देखेंगे तो जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म भी एक ईश्वरवाद पर ही विश्वास करता है। ठीक है, इस धर्म का भी प्रमुख दर्शन क्या है, इसने भी एक ईश्वरवाद पर ही विश्वास किया, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद की बात की, बहुदेववाद का इसने भी खंडन किया। इसके अगर प्रमुख दर्शन की बात करें तो ये भी एक ईश्वरवाद पर इसने भी बल दिया। इसके अगर प्रमुख दर्शन की बात करें तो इसने जो है विनम्रता, प्रेम और न्याय की भावना पर बल दिया। ठीक है, जो यहूदी धर्म है इसने विनम्रता, प्रेम और न्याय की भावना पर बल दिया। ठीक, ये भी एक ईश्वरवाद के साथ साथ ये भी ईश्वर के निराकार, ईश्वर के निराकार रूप पर आस्था रखता है। तो अगर हम देखें तो सनातन धर्म के अलावा बाकी सभी जो धर्म है सभी के सभी ईश्वर के निराकार रूप पर आस्था रखते हैं। जैसे ईसाई धर्म को लेकर वो भी ईश्वरवाद और निराकार रूप पर आस्था रखता है, सिख धर्म भी, यहूदी भी, तो इस और साथ में इस्लाम भी। ठीक है, ये सब ईश्वर के एकेश्वर और निराकार रूप पर आस्था रखते हैं। प्रमुख दर्शन क्या है, इसने ये जो धर्म है विनम्रता, प्रेम और न्याय की भावना पर इसने बल दिया। ठीक है, अब जैसे इस्लाम धर्म में भी कई सारे पैगंबरों को मान्यता मिली हुई है, वैसे ही यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म में भी कई पैगंबरों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यहूदी धर्म में भी कई पैगंबरों को मान्यता प्राप्त है, जैसे कि पहले अब्राहम ना जब इस्लाम धर्म पढ़ा रहा था कि यहां पर इब्राहिम है, और ईसाई और यहूदी धर्म में इन्हीं को क्या बोलते हैं, अब्राहम बोलते हैं, है वही, वहां पे इनको बोलते हैं इब्राहिम, यहां पर बोलते हैं अब्राहम, इनको प्रथम पैगंबर कहा गया है। इनको क्या कहा गया, प्रथम पैगंबर। दूसरे हैं जैकब, इनको कहा गया पितामह पैगंबर। ठीक है, फिर अब क्या आते हैं मूसा, ये मूसा भी देखिए इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा था, और फिर आते हैं ईसा। ठीक है, ये मुख्य पैगंबर और इनको कहते हैं पवित्र पैगंबर। ठीक है, तो इसमें यहूदी धर्म में भी इस्लाम धर्म के तरीके ही कई सारे पैगंबरों को मानने तरीके, जैसे इस्लाम धर्म में 25 पैगंबरों को स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख कौन कौन से थे, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब, सबसे अंतिम मोहम्मद साहब रहे, और सबसे ज्यादा फेमस मोहम्मद साहब भी थे, जो यहूदी के द्वारा इस्लाम धर्म का की नींव रखी गई। उसी तरीके से जो यहूदी धर्म है ये भी एक ईश्वरवाद निराकार, ईश्वर के निराकार रूप पर आस्था रखता है। इसका भी जो उदय है वो यरूशलेम से होता है, यहूदी जो धर्म है, अगर हम बात कर लें उदय कहाँ से हुआ, तो इस धर्म का भी उदय कहाँ से होता है, यरूशलेम से होता है। ठीक है, इसका भी उदय कहाँ से होता है, यरूशलेम से ही होता है। इसने इसमें भी कई सारे पैगंबरों को मान्यता दी गई है, जिसमें प्रमुख पैगंबर कौन कौन से हो गए, अब्राहम, जैकब, मूसा और ईसा, जिसमें से जो अब्राहम है इनको प्रथम पैगंबर माना गया। ठीक है, यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, सबसे जो पवित्र ग्रंथ है ये कौन सा है, यह है ओल्ड टेस्टामेंट। यहूदी धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ किसे कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को बोलते हैं। इस ओल्ड टेस्टामेंट में ही जो पैगंबर है, उन पैगंबरों के जो संदेश है, जो उनके जो विचार है, जो शिक्षाएं हैं, उनका संकलन किया गया है। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में तो ये तो पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट। इसी के साथ दो और ग्रंथ भी हैं, जैसे कि एक हो गया आपका तोरा और दूसरा है तालमुद। एक तो पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है
थोड़ा और तीसरा है तालमोड। जो ये तालमोड है इसमें यहूदियों के नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, नैतिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक। जैसे कि जो हदीस है हदीस में भी नैतिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है, वैसे ही जो तालमुड है तालमुड में भी यहूदियों के लिए नैतिक कर्तव्य की बात की है। जो तोरा है तोरा में बाइबिल के प्रारंभ के जो पांच अंक हैं उनकी बात की गई है, ठीक। तो तोरा में बाइबिल की बात की गई है, बाइबिल के प्रथम जो पांच संकलन है उनकी बात की गई है। तालमुड में यहूदियों के नैतिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो देखिए ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आपने दो ग्रंथ देखे, बाइबिल एक थी, उस बाइबिल को ही क्या हुआ, उस बाइबिल के ही दो अंक हो गए, एक को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाने लगा जो कि यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ है और दूसरा न्यू टेस्टामेंट जो कि ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है। ही बाइबिल एक दो खंड उसके ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, यहूदियों की दो अन्य प्रमुख ग्रंथ तोरा और तालमुड। तोरा में क्या है, तो जो बाइबिल है बाइबिल के प्रथम जो पांच संकलन है उनको शामिल किया गया है, और तालमुड में यहूदियों की जो दैनिक जो कर्तव्य है जो नैतिक कर्तव्य है उनके बारे में बात की गई है। फिर हमने देखा कि जैसे जो यहूदी है ये जेरूशलम में यहूदियों का जो विकास हुआ जो राजा उदय हुआ यहूदी धर्म का, तो कहां से होता है, जेरूशलम में हुआ। तो जब इनका विकास उदय हुआ, उदय होने के कुछ ही समय के पश्चात ये लोग उस जेरूशलम के क्षेत्र से माइग्रेट हो गए, और माइग्रेट होकर के ये यूरोप और अमेरिका के क्षेत्रों में इनका प्रसार हो गया, ठीक है। उदय तो कहां हुआ, उदय हुआ वही जेरूशलम में। जेरूशलम में उदय होने के बाद फिर इनका माइग्रेशन हो गया कहां, यूरोप के क्षेत्रों में और अमेरिका के क्षेत्रों में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप में यहूदियों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया गया। जैसे हम जर्मनी की घटना देखें तो हिटलर के द्वारा काफी मुख्य रूप से यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया गया, लाखों की संख्या में यहूदियों को मार दिया गया, ठीक है, गैस चैम्बर में डालकर के। तो जब यहूदियों का जब एक बड़े व्यापक पैमाने पर नरसंहार किया गया, तो उसके पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसी के जस्ट बाद अमेरिका और यूरोप के प्रयासों से उसी यरूशलम के क्षेत्र में जहां से उनका ओरिजिन हुआ था उस क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक नए देश का विकास किया गया, और उस नए देश का क्या नाम है, इज़राइल, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात हम देखते हैं कि ये जो यहूदी थे जो वहां से माइग्रेट होकर दूसरे देशों में चले गए थे उनके लिए एक नए देश का विकास किया गया जिसका नाम था इज़राइल। 1948 में इज़राइल नामक एक नया देश का उदय हुआ, और कहां पर होता है, तो जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन एक देश था, मुस्लिम देश ही है अभी भी कुछ क्षेत्रों में, जो आपका जो गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है उसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा जगह पर फिलिस्तीन अभी भी है। तो फिलिस्तीन के ही कुछ एरिया में इसराइल नामक एक नया देश बनाया गया, और क्यों बनाया गया, तो यहूदियों के लिए। तो अब क्या होगा, अब जो यहूदी है इनके लिए 1948 में इसराइल देश बन गया, ठीक। अब जितनी विश्व में कुल जो यहूदी हैं, ठीक है, जो कुल जो टोटल संख्या यहूदियों की, उन कुल टोटल संख्या के 45% जो यहूदी हैं वो कहां रहते हैं, इसराइल में। मान के चलिए अगर कुल जनसंख्या यहूदियों की 1 करोड़ है तो 45 लाख जो यहूदी हैं कहां रहेंगे, कहां रह रहे हैं तुम्हें, इसराइल में। और 40% कुल जो जनसंख्या यहूदियों की, और 40% यहूदी अमेरिका में निवास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका और इसराइल का अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं तो इसी वजह से जो अमेरिका है वो इसराइल का आंख बंद करके समर्थन करता है, क्योंकि वहां पर अमेरिका में इसराइलियों की एक काफी बड़ी मेजोरिटी में है इसराइल, ठीक है। और अमेरिका के चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, सब जगह पर इसराइलियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो इसराइलियों के लिए एक नया देश बना था, और इसराइल में कुल यहूदी जनसंख्या के 45% यहूदी इसराइल में निवास करते हैं, 40% यहूदी अमेरिका में निवास करते हैं।
उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग तो 1000 ईस्वी के आसपास कुछ जो यहूदी हैं वो अब इस इसराइल में, मतलब जब 1000 ईस्वी के आसपास कुछ यहूदी इस क्षेत्रों से निकल करके, जब इनका प्रसार हो रहा था अमेरिका और यूरोप के क्षेत्रों में, उस समय 1000 ईस्वी के आसपास कुछ यहूदी भारत में भी प्रवेश कर गए, ठीक है, और भारत में भी उनका आगमन हुआ। तो अगर आज के डेट में अगर देखें कि भारत में लगभग कितने यहूदी हैं, तो माना जाता है कि लगभग 10,000 के आसपास की संख्या भारत में यहूदी होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एक दो एक ईश्वरवाद पर विश्वास करता है, इसके प्रमुख ग्रंथों को देख लिया, तोरा, तालमुद और ओल्ड टेस्टामेंट, क्या क्या तीनों ग्रंथों में की बात की गई है। उसके बाद हमने देखा कि जेरूसलम में इसका उदय हुआ, जेरूसलम में उदय होने के बाद इसका ये जो यहूदी है इनका माइग्रेशन हो गया यूरोप, अमेरिका और कुछ भारत के क्षेत्रों में, एशिया के क्षेत्रों में, यानी बड़ी संख्या में ये यूरोप और अमेरिका माइग्रेशन हुआ था, और बहुत सीमित संख्या में दक्षिण एशिया में इनका माइग्रेशन हुआ था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब यूरोपियन कंट्रीज मुख्य रूप से जर्मनी वगैरह के द्वारा जब यहूदियों पर अत्याचार किया गया, व्यापक रूप से नरसंहार किया गया, तब अमेरिका के और कुछ और यूरोपीय देशों के प्रयासों से इसके लिए एशिया के एक क्षेत्र में फिलिस्तीन का कुछ क्षेत्र लेकर के और वहां पर एक नए देश का गठन किया गया इसराइलों के लिए, मतलब यहूदियों के लिए, और उस देश का क्या नाम रखा गया, इसराइल। इसराइल में कुल विश्व की टोटल यहूदियों की जनसंख्या का 45% इसराइल में निवास करते हैं, 40% यहूदी अमेरिका में निवास करते हैं, और लगभग भारत में 10,000 की जनसंख्या यहूदी भारत में निवास करते हैं, ठीक है। अब जो यहूदी जो भारत में जो यहूदी आए थे, अब भारत में जो यहूदी आए थे उनका भी दो भागों में उनका विघटन हो गया, ठीक है, वो भी दो टुकड़े बन गए, ठीक है, यानी कि भारत में जो यहूदी जो आए थे तो ये यहूदी दो भारत में भी दो ब्रांच में बन गए, एक पेने यहूदी जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, मराठी बोलते हैं, और दूसरा कोचीनी यहूदी जो कि कहां है, केरला में, ठीक है। तो जो यहूदी है, तो जो भारत में जो यहूदी आए थे, अब चूंकि उनका एक वर्गीकरण हो गया, अब वो भी दो ब्रांचेस में बढ़ गए, एक पेने यहूदी जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, और कोचीनी यहूदी जो कि केरला के क्षेत्र में, ये बोलते हैं मराठी और ये बोलते हैं मलयाली, ठीक है। लेकिन भारत में लगभग 8 से 10 हजार की जनसंख्या है यहूदियों की, यानी बहुत ही सीमित मात्रा में है, लेकिन चूंकि भारत क्या है, सर्वसूक्ष्म भाव की बात करता है, इसलिए जो कानून हिंदू के लिए बनेगा वही कानून ज्यूस के लिए बनेगा, ठीक है, यह मैटर नहीं करता कि कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि जो यहूदी है इनके धर्म जो धार्मिक केंद्र है उसको किसका समझा जाता है, यहूदियों का जो धार्मिक केंद्र है, यहूदियों के धार्मिक केंद्र को साइनो कॉस माना जाता है, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक केंद्र क्या कहा जाता है, जैसे कि हिंदुओं का धार्मिक केंद्र क्या है, मंदिर, इस्लाम का धार्मिक केंद्र क्या है, मस्जिद, ईसाइयों का चर्च, वैसे ही जो ज्यूस हैं, जो यहूदी हैं, इनका धार्मिक केंद्र क्या है, उसको क्या कहा जाता है, साइनोगोज। ये जो साइनोगोज है ये धार्मिक केंद्र के साथ ही साथ, धार्मिक केंद्र तो है ही, धार्मिक केंद्र के साथ ही साथ इसका उपयोग अध्ययन केंद्र के रूप में भी करते हैं, ठीक है। यानी जो यहूदी है, यहूदी साइनोगोज का उपयोग धार्मिक केंद्र के रूप में तो करते ही करते हैं अपनी पूजा आराधना करने के लिए, और साथ ही साथ इसका प्रयोग एक अध्ययन केंद्र के रूप में भी करते हैं, यानी कि जो यहूदी के जो साइनोगोज हैं वहां पर आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, तो जो भी इस धर्म से संबंधित लोग हैं, किसी भी धर्म से संबंधित लोग हैं, वो इनके इन धार्मिक केंद्रों में जा करके और वहां पर अध्ययन वगैरह भी कर सकते हैं, हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो धार्मिक केंद्र है वो क्या होगा, साइनोगोज है। तो ये क्या है, ये आगे आराधना स्थल के साथ ही साथ अध्ययन के केंद्र के रूप में भी इसका इसको विकास किया गया, इसका विकास किया गया। अगर सबसे पुराने साइनोगॉज की बात करें तो सबसे पुराना जो साइनोगॉज है, विश्व का सबसे पुराना साइनोगॉज कहाँ है, ये है दोस्तों बेल्ज
सेतु के नाम, इसका नाम है मतलब ब्रिज क्रीक साइनोबॉल्स, कहां पर सेतु के नाम है। सबसे पुराना साइनोबॉल कौन सा है तो ब्रिज क्रीक साइनोबॉल्स, कहां जेरूसलम में। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कहां पर है, इंडिया में अगर बात करें कि भारत में सबसे पुराना साइनोबॉल कहां है, भारत में सबसे पुराना साइनोबॉल है कोची केरला में। विश्व का सबसे पुराना साइनोबॉल वेज ग्रेट साइनोबॉल जेरूसलम में है। भारत का सबसे पुराना जो साइनोबॉल है पड़ोसी साइनोबॉल कहते हैं उसको कोची केरला में है। ठीक है चलो, तो ये हो गया आपका यहूदी भी, दो धर्म लोगों ने देख लिए ईसाई और ज्यू। अब हम लोग बात करेंगे फारसी धर्म की, वो भी काफी छोटा है। ठीक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फारसी धर्म से तो यही पूछे जाते हैं कि उसका उदय कहाँ हुआ और उसकी जो धार्मिक पुस्तक जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है, या फिर जो फारसी धर्म को जो मानने वाले हैं उनका आराध्य कौन है, ठीक है किसकी आराधना करते हैं। ये दो ही तीन क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फारसी भारत में लगभग 60,000 के आसपास से कुछ संख्या है, तो देखिए फारसी धर्म, फारसी धर्म का विकास या उदय ईरान में जरथुस्त के द्वारा की गई, ईरान में जरथुस्त द्वारा की गई। ठीक है, तो फारसी धर्म का विकास कहां हुआ, ईरान में, और किसके द्वारा की गई तो जरथुस्त द्वारा की गई। तो कब हुआ इस फारसी धर्म का विकास, छठवीं सदी ईस्वी में। ठीक है, तो फारसी धर्म का विकास ईरान में जरथुस्त द्वारा की गई का छठवीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 बीसी लिख देना है। तो फारसी धर्म का विकास ईरान में जरथुस्त द्वारा 600 बीसी में की गई। जो ये फारसी धर्म है ये ईरान में दो संप्रदाय बढ़ गया, यानी दो संप्रदाय बढ़ गया, एक फारसी और दूसरा ईरानी। ठीक है, फारसी संप्रदाय और ईरानी संप्रदाय, जो पारसी धर्म है उसी तरह पश्चात ये दो शाखाओं बढ़ गया, दो संप्रदाय बढ़ गया, पारसी संप्रदाय और ईरानी संप्रदाय। फिर जब इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ, या फिर भारत में प्रवेश की धारणा गलत होगा, यानी जब इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ मोहम्मद साहब के द्वारा, तो इस्लाम धर्म 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात जब इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ ईरान में, तो ईरान ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो देखिए पहले पारसी धर्म, ईरान में पारसी धर्म का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ईरान में ही पारसी धर्म दो संप्रदाय बढ़ गया, फारसी संप्रदाय और ईरानी संप्रदाय। 700 एडी के बाद जब इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, जब इस्लाम धर्म अपना प्रसार बड़ी तेजी के साथ कर रहा, जब उसके जो खलीफा है, खलीफा जब अपने इस्लाम धर्म का प्रसार बहुत ही तीव्र गति से कर रहे थे, उसी दौरान इस्लाम धर्म कहां पहुंचा, ईरान पहुंचा। तो इस्लाम धर्म के प्रभाव में आकर के ईरान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, ईरान ने धर्म को स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म ईरान ने स्वीकार कर लिया। जब ईरान द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया तो ईरान से जो ये ईरानी संप्रदाय के जो पारसी है, तो ईरान से जो ईरानी पारसी है, ये ईरानी पारसी ईरान से निकल करके और फिर ईरान के बाहर विश्व के बहुत सारे देशों में वो माइग्रेट करने लगे, वो जाने लगे। तो उसी दरमियान जो फारसी है ये भारत में भी प्रवेश की, इसी दौरान फारसी भारत में प्रवेश की। ठीक है, ये भी समय लगभग वही था 1200 ईस्वी के आसपास। तो लगभग 1000 एडी के आसपास जो ये फारसी है
पारसी भारत में प्रवेश किए। अगर भारत में प्रवेश किए तो सबसे पहले किन क्षेत्रों में आकर के बस गए? सबसे पहले अरब सागर के तट पर, ये महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और सिंध के क्षेत्रों में सबसे पहले अगर बस गया। ये क्रोनोलॉजी को एक बार फिर से समझिए। क्रोनोलॉजी सबसे पहले क्या है? पारसी धर्म का विकास कहां हुआ? तो पारसी धर्म का विकास सबसे पहले हुआ ईरान में। ईरान में किसके द्वारा किया गया? जरथुस्त के द्वारा। ठीक, कब? 600 BC। ओके, ईरान जो पारसी धर्म है उसका विकास हुआ। कुछ समय के पश्चात ये पारसी धर्म दो सभा में बढ़ गया, फारसी संप्रदाय और ईरानी संप्रदाय में। ठीक है, फिर जब इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ, जो इस्लाम धर्म के जो खलीफा है वो अपने धर्म का प्रसार करने में लगे हुए थे, उसी दौरान इस्लाम पहुंचा कहां? ईरान में। और इस्लाम के प्रभाव में आकर के ईरान ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जब ईरान के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया गया तो वहां का जो ये पारसी संप्रदाय के जो ईरानी संप्रदाय के जो पारसी है वो अब ईरान से माइग्रेट होकर के विश्व के अन्य देशों की तरफ जाने लगे। उसी दौरान 1000 ईस्वी के आसपास कुछ पारसी भारत में भी प्रवेश कर गए। भारत में समुद्र के रास्ते प्रवेश किए, और जब समुद्र के रास्ते प्रवेश किए तो वहीं पर ही वो मुहाने पर ही महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के क्षेत्रों में वो बस गए। ठीक है, तो ये भारत में सबसे पहले कहां बस गए? महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के क्षेत्र में बस गए। ठीक, चलो ये तो एक ऐतिहासिक एक बैकग्राउंड था, और कुछ इनके दर्शन वगैरह की बात कर लें तो इसका अगर हम पारसी धर्म का अगर हम दर्शन देखते हैं तो पारसी धर्म में सादगी एवं कर्म फल का विश्वास किया गया है। ठीक है, ये पारसी धर्म में इसमें सादगी और कर्म फल पर विश्वास किया गया है। पारसी धर्म जो है वे ऊर्जा के स्रोत, पारसी धर्म ऊर्जा के स्रोत सूर्य एवं अग्नि के उपासक है। ठीक, जो पारसी धर्म के जो फॉलोअर हैं वो ऊर्जा के स्रोत सूर्य और अग्नि के उपासक है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो सूर्य है, सूर्य जीवन का संचालक, सूर्य का महत्व जीवन के संचालक के रूप में है, और अग्नि का जो महत्व है वो कृषि के संचालक के रूप में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए उस समय औजार तो थे, जब औजार नहीं थे, यानी जब ये पारसी धर्म में जब उदय हो रहा है उस समय औजार तो थे नहीं, जो मनुष्य है वो उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि योग्य जमीन प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय था कि आग लगा दिया जाए जंगल में, जिससे कि जंगल साफ हो जाएंगे और कृषि योग्य जमीन मिल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने सूर्य को महत्व दिया जीवन के संचालक के रूप में, और अग्नि को महत्व दिया कृषि के संचालक के रूप में। इनका मानना था कि अग्नि के द्वारा ही हमें कृषि योग्य जमीन प्राप्त होती है। ठीक, तो ये हमने दो चीजें देखी कि जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म में सूर्य और अग्नि की उपासना की जाती है। सूर्य की उपासना जीवन के संचालक के रूप में, और अग्नि की कृषि के संचालक के रूप में, यानी एक तरह से इन्होंने ऊर्जा के स्रोत की उपासना की। ठीक है, चलिए हो गया। पारसी धर्म के जो धार्मिक केंद्र है, पारसी धर्म के धार्मिक केंद्रों में अग्नि की उपासना की जाती है। जो भी इनसे संबंधित जो धार्मिक केंद्र होंगे वहां पर हमेशा ही आग जलती रहती है। ठीक है, इनकी मान्यता है कि एक जो है एक आग जलाई जाती है वो हमेशा जलती रहती है। ठीक है, तो ये ऐसी मान्यता है कि इनके धार्मिक ग्रंथ में हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। तो जो पारसी धर्म के जो धार्मिक केंद्र है उसमें अग्नि की उपासना की जाती है, और इसी वजह से इनके धार्मिक केंद्रों में हमेशा ही आपको अग्नि प्रज्वलित मिलेगी। क्लियर, अगर हम भारतीय महाद्वीप की बात कर लें,
अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पारसी धर्म से संबंधित जो पहला मंदिर बना, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारसी धर्म का प्रथम मंदिर तक्षशिला में चांडियाल का मंदिर है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारसी धर्म का प्रथम मंदिर कहां पर स्थित है, तक्षशिला में, और कौन सा है, चांडियाल का मंदिर, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पारसी धर्म का प्रथम मंदिर तक्षशिला में चांडियाल का मंदिर है, ठीक है, पारसी धर्म संबंधित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, प्रथम सदी ईस्वी में, यानी फर्स्ट एडी के आसपास, प्रथम सदी में, ठीक है, पहली सदी में। तो ठीक, तो इसका जो है एग्जैक्ट उसका इसके बारे में नहीं बताया गया, कि जैसे कि हमने देखा कि जो चर्च है, चर्च की सबसे पहले स्थापना सेंट थॉमस के द्वारा 52 AD में केरला में की गई, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई, लेकिन मान्यता ये है कि जांडियाल का मंदिर है, इसका निर्माण प्रथम सदी में किया गया और कहा, तक्षशिला में किया गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में मैंने देख लिया, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, अग्नि के और सूर्य के अलावा पारसियों के एक और देवता है, ठीक है, जिनकी उपासना की जाती है, और इनका नाम है अबूर मजदा। अग्नि के अलावा पारसियों में एक देवता है, पारसी देवता अबूर मजदा, ठीक है, की भी उपासना की जाती है, उपासना की जाती है, और कहा जाता है कि जब अहूर मजदा है जो ये जिनको देवता के रूप में मान्यता मिली हुई है, लोगों का विश्वास है कि जो अहूर मजदा जो देवता है, ये सैतानों के साथ युद्धरत है, ठीक है। मान्यता क्या है कि ये जो अहूर मजदा जो देवता है, ये सैतानों के साथ युद्धरत है और सैतानों से लोगों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जहां एक तरफ ये ऊर्जा के स्रोत अग्नि और सूर्य की उपासना करते हैं, वही एक प्रमुख देवता का भी जिक्र किया गया है, उसमें भी इनका विश्वास है, और देवता क्या नाम है, अहूर मजदा, और कहा जाता है कि मान्यता है कि ये शैतान के साथ युद्ध करता है, ठीक है। अब इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, प्रमुख ग्रंथ है अवेस्ता, ठीक है, जैन अवेस्ता भी कभी कभी कहते हैं। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है क्या है, अवेस्ता, जैन अवेस्ता भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है। इस अवेस्ता में जरथुष्ट के संदेश एवं उपदेशों का संकलन है, ठीक है। जैसे कि देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उसी तरीके से जो जरथुष्ट हैं, जरथुष्ट इसके प्रवर्तक हैं पारसी धर्म के, जो प्रोस्टेराइट जो ईसाई क्रिश्चियनिटी का जो प्रोस्टेराइट जो ब्रांच है उसके प्रवर्तक कौन है, तो मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोस्टेराइट जो ब्रांच है उसका विकास किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इसी तरीके से जो जरथुष्ट है, जरथुष्ट कौन है, जरथुष्ट इस पारसी धर्म के प्रवर्तक है, ठीक है। और ये जो जैन अवेस्ता है उसको कभी नहीं कहीं पे जैन अवेस्ता भी कह दिया था, ठीक है। तो कभी जैन अवेस्ता लिखा हुआ है या सिर्फ अवेस्ता लिखा हुआ है तो क्या है, पारसी धर्म की प्रमुख जो धार्मिक बुक है उसका नाम है जैन अवेस्ता। और जैन अवेस्ता में क्या लिखा हुआ है,
किस बात को संकेत किया गया है, तो जरथुष्ट में जो संदेश है और जो उपदेश है उन्हीं का संकेत किया गया है जय दर्शन। ठीक है, भारत में पारसी धर्म को मानने वालों की संख्या कितनी है, लगभग 7000 पारसी है लगभग भारत में। ठीक है, लगभग 7000 पारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं भारत में है, मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक वैसे तो पूरे भारत में ही पाए जाए हैं, बट गुजरात और महाराष्ट्र के अगर क्षेत्र में हम देखें तो मुख्य रूप से ये पारसी धर्म को मानने वाले हैं, ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो पारसियों का मंदिर है वो कहाँ है, तो यास ईरान में है। यास ईरान ये पारसियों का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है पारसियों का वो कहाँ है, यास ईरान। ठीक, वही अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है, गुजरात में है। वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में पारसियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा ईरान में और भारत में सबसे बड़ा गुजरात में। जो हो गया पारसी धर्म, अब हम बात कर लेते हैं सिख धर्म के बारे में। फिर कल की जो क्लास रहेगी, अगली क्लास हम लोग बनेगी उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करेंगे। वहीं से आपसे क्वेश्चन भी वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो यहूदी और जो ये पारसी धर्म है इससे जो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो प्रवर्तक कौन है वो पूछ लिया जाएगा, किस क्षेत्र में उनका विकास हुआ ये पूछ लिया जाएगा, और जो प्रमुख धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मतलब दर्शन भी पूछ लिया जाएगा, दर्शन क्या है, जैसे इसमें पवित्रता मुख्य दर्शन के रूप में रखा गया है, यानी सादगी, सादगी और जो कर्म है, कर्म का फल पर जो विश्वास है वो यहाँ पर मुख्य रूप से रखा गया है। यहूदियों में अगर देखें हम लोग तो विनम्रता, न्याय और प्रेम को रखा गया है। क्रिश्चियनिटी में उसमें ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को, मानवतावाद, सदाचार इसको रखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो सिख धर्म है, देखेंगे सिख धर्म का जो प्रमुख दर्शन है तो ये भी एक ईश्वरवाद की संकल्पना पर बल देता है, एक ईश्वरवाद की संकल्पना एवं निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देता है। ठीक है, तो जो सिख धर्म है ये भी एक ईश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देता है। ये सिख धर्म भी, सिख धर्म का भी जो प्रमुख दर्शन क्या है, ईमानदारी, सत्य, प्रेम, भाईचारा। ठीक है, ईमानदारी हो गई, सत्य हो गया, प्रेम, भाईचारा, ये सब क्या है, और सेवा, मानव सेवा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सिख धर्म के प्रमुख दर्शन है। दर्शन लोग देख लिया, अब थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं, इसका इतिहास क्या है। तो देखिए 16वीं सदी में गुरु नानक देव के द्वारा, गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की, सिख संप्रदाय की स्थापना की गई। ठीक है, कहां पर, पंजाब के क्षेत्र में। सिख तो 16वीं सदी में गुरु नानक देव के द्वारा भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में सिख धर्म की स्थापना की गई। उसका दर्शन हमने देखा कि गुरु नानक देव ने एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इस धर्म में भी लोगों से अपील की गई ईमानदारी, सत्य, प्रेम, आपसी भाईचारा और मानव सेवा पर बल दिया गया। देखें कि इस धर्म के द्वारा प्रमुख जो विरोध है, ठीक है, तो सिख धर्म ने मूर्ति पूजा, सिख धर्म में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सिख धर्म मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, मद्यपान आदि का विरोध करता है। ठीक,
सिख धर्म में भी अपने दर्शन में जहाँ ईमानदारी सत्य प्रेम भाईचारा और मानव सेवा को शामिल किया, वहीं इसने मूर्ति पूजा बहुदेववाद मद्यपान आदि का निषेध करने पर बल दिया। ठीक है, सबसे मुख्य रूप से इन्होंने जिस पर बल दिया वो था ईमानदारी और भाईचारा तथा सेवा। ठीक है योगी, अब अगर बात करें हम कि इनकी पवित्र ग्रंथ कौन सा है, पहले मैं इस पूरे सिख धर्म को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट में जो इनके पूरे 10 गुरु हैं उन 10 गुरुओं को हम लोग देखेंगे और उनके द्वारा प्रमुख किए गए जो कार्य थे, जो उनका प्रमुख जो महत्व है उसको देखेंगे। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन कहते हैं, आदि ग्रंथ भी कहते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उसको आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इसमें सभी गुरुओं के संदेश विचार उपदेश आदि का संकलन है। ठीक है, तो जो आदि ग्रंथ है ये सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और उसमें क्या है, उसमें तो उसमें जो है सभी जो गुरु हैं इन सभी गुरुओं के जो संदेश है विचार है उपदेश है उन सभी का संकलन किया गया है आदि ग्रंथ के अंदर। ठीक है, तो इनके प्रमुख ग्रंथ क्या हो गया, प्रमुख ग्रंथ हो गई आदि गुरु ग्रंथ साहिब। इस सिख धर्म के अंतर्गत जो प्रमुख संस्कार है, सिख धर्म के अंतर्गत प्रमुख संस्कार को कहते हैं अमृत संस्कार। अमृत संस्कार को ही पाहुल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अमृत संस्कार है उसी को पाहुल संस्कार भी कहते हैं और जो पाहुल संस्कार है इसके पूरा होने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति खालसा पंथ का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो इस पाहुल जो प्रथा है, पाहुल जो संस्कार है, इस पाहुल संस्कार के पूरा होने के पश्चात ही व्यक्ति खालसा पंथ में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को खालसा पंथ में शामिल होना है तो उसे पहले ही जो पाहुल संस्कार है इसको पूरा करना होगा। ठीक है, उसी के द्वारा खालसा पंथ में शामिल होगा वो व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति खालसा पंथ में शामिल हो जाएगा तो अब मान लीजिए कोई अगर पुरुष अगर शामिल हुआ खालसा पंथ में, ठीक है, तो जब वो व्यक्ति खालसा पंथ में शामिल हो जाते हैं तो जो पुरुष हैं पुरुषों को अब सिंह का टाइटल मिलेगा। ठीक है, उन्हें यानी अपने नाम के पीछे सिंह लगाना पड़ेगा और जो स्त्रियां हैं स्त्रियों को कौर का टाइटल मिलेगा, यानी उन्हें अपने नाम के पीछे कौर लगाना है। अपना नाम पढ़ा देखा होगा अमरदीप सिंह तो पुरुष हो गया, अमरदीप कौर स्त्री हो गए। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति जो फॉलोअर है सिख धर्म का वो जब खालसा पंथ में जब शामिल हो जाता है पाहुल संस्कार के पश्चात जब वो खालसा पंथ में शामिल हो जाएगा तो उसको दो टाइटल मिलेंगे, पुरुषों को सिंह और स्त्रियों को कौर का टाइटल मिलेगा। ठीक है, तो प्रमुख जो संस्कार हमने देख लिया अमृत संस्कार जिसे हम पाहुल प्रथा भी कहते हैं, हमने देख लिया कि उसके पश्चात खालसा पंथ में शामिल हो सकता है व्यक्ति, उसको टाइटल मिल जाएगी सिंह और कौर की। फिर यहाँ पे ये हो गया खालसा पंथ। खालसा पंथ की अगर स्थापना की बात की जाए तो 699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 699 ईस्वी में इस खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और मुख्य उद्देश्य क्या था खालसा पंथ की स्थापना करने का, कि जो सिख धर्म के जो फॉलोअर हैं उनको सैनिक के रूप में प्रशिक्षित करना। ठीक है, इनको जो है सैनिकों के उस समय का जो पूरा काल चल रहा था, जो समय का एक समय चल रहा था उसमें जो मुस्लिम जो शासक हैं वो जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करने में लगे थे, इस्लाम धर्म का प्रसार करने में लगे हुए थे। जस्ट इससे पहले गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसी वजह से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, उसमें जो सिख धर्म के जो फॉलोअर हैं उनको एक सैनिक दस्ते के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए, एक तरीके से उनको सैन्य योद्धा के रूप में ट्रेन करने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और क्यों,
तो सैन्य दृष्टि से इनको पारंगत किया जाना था ताकि अपने धर्म की रक्षा कर सके। धर्म की रक्षा के लिए इन्हें सैन्य दृष्टि से इनको क्या करना था, ट्रेंड करना था, और यही उद्देश्य था मुख्य रूप से खालसा पंथ का। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें पंच ककार दूसरे का धर्म है, इसमें पंच ककार का काफी इंपॉर्टेंस है। पंच ककार क्या है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सिख धर्म को फॉलो कर रहा है तो उसको इस पंच ककार का पालन करना पड़ेगा। पंच ककार में क्या है, यानी कि पांच चीजें हैं जिसको प्रत्येक सिख संप्रदाय को फॉलो करने वाले व्यक्ति को इन पांच चीजों को धारण करना पड़ेगा। जैसे कि केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ठीक है, तो ये पंच ककार कहलाते हैं, यानी प्रत्येक सिख धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति को इन पांच चीजों को धारण करना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें थोड़ा सा इनके दस गुरुओं के बारे में। तो ये पहले तो हमने देख लिया गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का जब नाना साहिब में हुआ था, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की। मैं कुछ केवल इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं जो कि जब पूछे जाते हैं। सिख धर्म की स्थापना की गई गुरु नानक देव के द्वारा। गुरु नानक देव ने 30 वर्ष में भारत की 5 बार परिक्रमा की। ठीक है, गुरु नानक देव जब इनलाइटमेंट हुआ उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज में बंधुता बढ़ाने के लिए, जो सामाजिक और धार्मिक जो भेदभाव चल रहे थे। ठीक है, चूंकि देखिए जो गुरु नानक देव है ये जो उस दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार चल रहे थे समाज में, तो उसके प्रमुख नेता के रूप में भी गुरु नानक देव हमें दिखाई देते हैं। तो गुरु नानक देव ने समाज में सद्भावना बनाने के लिए, ठीक है, समाज में एक बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत की उन्होंने 5 बार परिक्रमा की। तो सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने 30 वर्षों में 5 बार भारत की परिक्रमा की, 5 बार भारत की परिक्रमा की, और इसी को उदासी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जो 5 बार भारत की परिक्रमा की गई इसी को उदासी नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने लंगर की शुरुआत की। लंगर की शुरुआत क्यों की गई थी, ताकि समाज में जो भेदभाव है मुस्लिम के उसको दूर करने के लिए, एक वंशता की भावना बढ़ाने के लिए, ताकि सभी लोग एक ही जगह पर बैठ करके भोजन करेंगे तो उनके बीच में स्वाभाविक सी बात है भाईचारा और ममता की भावना का विकास होगा। इसी वजह से इन्होंने लंगर की शुरुआत की। यह व्यक्त हो जाएगा एक उदासी क्या है, इनके द्वारा भारत की परिक्रमा किया जाना। लंगर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, गुरु नानक देव के द्वारा किया गया। सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक देव की। ठीक, अब गुरु नानक देव के बाद हम देखेंगे गुरु नानक देव ने अपने संदेशों को प्रचारित करने के लिए, जो गुरु नानक देव ने जो संदेश उनके विचार थे, तो अपने संदेशों और विचारों को प्रचारित करने के लिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया गुरु अंगद सिंह को। ठीक है, गुरु अंगद सिंह का नाम लहना भी था, मैंने आप मेडिकल हिस्ट्री में एक क्लास ले रखी है, जब हम लोगों ने सिख एंग्लो सिख वार पढ़ा था उस समय हमने दसों गुरु बारे में पढ़ा हुआ था। तो गुरु अंगद सिंह को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अंगद सिंह के हम लोग अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, तो गुरु अंगद सिंह ने लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। ठीक है, यानी गुरु नानक देव ने शुरुआत किया था, लेकिन जो ये लंगर प्रथा है, इस लंगर प्रथा को स्थायी किसने किया, लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया गुरु अंगद सिंह ने। साथ ही साथ गुरु अंगद सिंह ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। ठीक है, देखिए उस समय समाज की प्रचलित भाषा क्या थी, संस्कृत। इन्होंने जो नानक देव के जो विचार है, जो संदेश है, उनको प्रचारित करने के लिए एक अलग लिपि का विकास किया, और उस लिपि का क्या नाम था, गुरुमुखी लिपि। तो आपको इससे जो दो चीजें याद रखनी है, एक तो अंगद सिंह ने क्या किया, जो लंगर प्रथा है उस लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। ठीक है, और दूसरा इन्होंने जो गुरुमुखी लिपि है, इस गुरुमुखी लिपि को का इन्होंने विकास किया। ठीक है, चलिए गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया गुरु अंगद सिंह। गुरु अंगद सिंह का नाम भी आपको ध्यान रखना है, गुरु अंगद सिंह का नाम था लहना, भाई लहना। ठीक है,
गुरु अंगद सिंह, गुरु अंगद सिंह के बाद तीसरे जो गुरु हैं गुरु अमरदास। तो देखिए जो जो गुरु अमरदास हैं, इन गुरु अमरदास ने नियम बनाया कि अगर किसी व्यक्ति को गुरु के पास आना है या फिर गुरु से आशीर्वाद लेने आना है, उनका प्रवचन सुनने आना है, तो सबसे पहले उसको लंगर करना होगा। सबसे पहले लंगर में भोजन करना होगा। और जब व्यक्ति यानी कि एक क्राइटेरिया लगा दिया, ठीक है, एक कंडीशन लगा दी कि पहले व्यक्ति जो भी व्यक्ति गुरु के पास आ रहा है वो पहले लंगर में भोजन करेगा, उसके बाद फिर आएगा गुरु के पास। ठीक, तो इन्होंने लगाया कि जो है जो भी व्यक्ति के पास आएगा वो पहले लंगर करेगा। इन्होंने जो सिख धर्म है इसको 22 गद्दियों में विभाजित कर दिया, ठीक है, और प्रत्येक 22 गद्दियों का एक एक महंत घोषित कर दिया। ठीक है, प्रत्येक 22 गद्दियों का एक एक महंत घोषित कर दिया। साथ ही साथ ये जो है अपनी जो गुरु गद्दी है इसको गोविंद वाला लेगा, ठीक है, गोविंद वाला लेगा। ये अपनी गद्दी को कहां लेगा, एक एक उन्होंने लंगर में भोजन करना अनिवार्य करते गुरु से मिलने के लिए 22 गद्दियों में उन्होंने बांट दिया। और अपनी जो काज है, जो कैपिटल है या जो गुरु गद्दी है, गुरु गद्दी को गोविंद वाला लेगा। ठीक, फिर इसी बात पूछा जाता है कि गुरु अमरदास ने ही जो गुरु का पद है, गुरु पद को पहली बार क्या कर दिया, पहली बार गुरु पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, इन्होंने गुरु अमरदास ने पहली बार गुरु पद को वंशानुगत बना दिया। फिर गुरु अमरदास के बाद बात करेंगे हम लोग गुरु रामदास की। चौथे गुरु कौन है, गुरु रामदास। तो देखिए जो गुरु रामदास हैं, ये गुरु रामदास इन्हीं गुरु अमरदास के ही दामाद हैं। ठीक है, ये दामाद किसके थे, दामाद के गुरु अमरदास के। ठीक है, ये जो गुरु रामदास है इन्हें इनकी बीवी को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन मिली थी। 500 बीघा जमीन प्राप्त थी अकबर के द्वारा इनकी बीवी को। उस 500 बीघे जमीन में एक तालाब भी था। उसी 500 बीघे जमीन में गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। अमृतसर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो 500 बीघा जमीन जो अकबर के द्वारा मिली थी गुरु रामदास को, उसी 500 बीघे जमीन में गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है गुरु रामदास के बारे में। अब जो पांचवें गुरु हैं, पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र हैं। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया। पहली बार आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। ठीक है, आदि ग्रंथ का द्वारा संकलन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुरु अर्जुन देव ने बस जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के पश्चात खुर्रम भाग करके गुरु अर्जुन देव के पास आ गया। तो गुरु अर्जुन देव ने खुर्रम को शरण दी थी और खुर्रम को शरण देने के कारण जहांगीर ने जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में इनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव सिखों के पहले ऐसे गुरु थे जिनको मुस्लिम शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तो फिर और भी हमें देखेंगे। देखिए गुरु अर्जुन देव पहले सिखों के गुरु हैं जिनको मुस्लिम शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, तो 1606 ईस्वी में। इसके द्वारा दिया गया, तो जहांगीर के द्वारा दिया गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को शरण दी थी। चलिए अब जो छठवें गुरु है, छठवें गुरु कौन है, तो छठवें गुरु है गुरु हरगोबिंद। अब चूंकि देखिए अभी तक तो सिखों के और जो मुस्लिम शासक हैं इनके जो संबंध है काफी अच्छे थे, लेकिन अब जब एक धर्म धार्मिक जो गुरु है पूरे संप्रदाय का सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति है, जब उसको जब मृत्युदंड दे दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि अब दोनों धर्मों के बीच में मतभेद आ जाएंगे
विरोधाभास पैदा हो जाएगा। इसी वजह से गुरु हरगोविंद सिंह ने सबसे पहली बार सिखों को सैनिक रूप में संकेत दिया, ठीक है, यानी कि सबसे पहली बार अगर किसी गुरु ने सिखों का यह आह्वान किया कि उनको भी सैनिक सैन्य रूप से ट्रेन होना चाहिए, जो प्रशिक्षण है सैन्य प्रशिक्षण लेना चाहिए, तो गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह। क्योंकि इससे जस्ट पहले 1606 में गुरु अर्जुन देव सिंह जी को मृत्युदंड दिया जा चुका है, इसी वजह से अपने धर्म की रक्षा के लिए और गुरु की रक्षा के लिए इन्होंने सिख धर्म के जो फॉलोअर्स है उनको उनका जो आह्वान किया कि उनको सैन्य रूप से उनको संकित होना चाहिए, यानी सैनिक जो है प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, और एक सेना के गठन का इन्होंने आह्वान किया कि एक अपने जो सिख है उनको भी एक सेना का गठन करना चाहिए, ठीक है, एक खुद की सैन्य रूप बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक पॉइंट और है कि इन्होंने जो है अपने इन्होंने अपनी जो राजनीतिक सत्ता है वो इस दिखाने के लिए इन्होंने नगाड़ा बजवाना प्रारंभ किया था, ठीक है, तो अपनी जो राजनीतिक यानी जो राजनीतिक जो सत्ता है जो शक्ति है वो दिखाने के लिए गुरु हरगोविंद सिंह ने नगाड़ा बजवाना प्रारंभ किया था। देखिए इस समय ये प्रथा थी कि नगाड़ा केवल जो शासक है शासक के दरवाजे में ही बजेगा, ठीक है, शासक क्या ही बजेगा, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह ने अब जो मुस्लिम जो शासक है उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती देने के लिए इन्होंने भी अपने क्षेत्र में नगाड़ा बजाना प्रारंभ किया, ठीक है। फिर गुरु गोविंद सिंह कुछ समय बाद फिर जब शाहजहां जो शासक बनता है तो शाहजहां के द्वारा इनसे जुर्माने की रकम की मांग की जाती है, जो कि जुर्माने की रकम अर्जुन देव के ऊपर लगाई गई थी, ठीक है, वो जुर्माने की रकम इनसे वसूल करने की बात की जाती है जिससे इनके बीच एक छोटा सा एक झड़प होती है, उस झड़प में जो गुरु हरगोविंद सिंह है इनको ग्वालियर में कुछ समय के लिए त्याग करके रखा जाता है, बाद में फिर ये कश्मीर चले जाते हैं। अब जब गुरु हरगोविंद जब कश्मीर चले गए तो अगले गुरु बनते हैं गुरु हर राय, गुरु हर राय सातवें गुरु बने। तो जब ये गुरु हर राय जब सातवें गुरु बने इस समय शासक कौन है? शासक इस समय गंगा औरंगजेब, ठीक है। तो जब गुरु हर राय जब शासक बनते हैं इन्हीं के शासक जैसे ही गुरु गद्दी पर बैठते हैं तो इनके गुरु गद्दी पर बैठते ही एक सामू वर्ग प्रेरित हुआ, जो किसी किसके बीच हुआ था, शाहजहां के दो पुत्रों दारा सिको और औरंगजेब के बीच, जिसमें दारा सिको पराजित होकर के और दारा सिको जो है वो पहुंच गया हर राय के पास, ठीक है। ये दारा सिको जो है गुरु हर राय की बहुत इन पर बहुत इनकी आस्था थी, फिर दारा सिको जो है इनसे आशीर्वाद देने के लिए गुरु हर राय के पास आ गया। ये बात औरंगजेब को ना हुआ गुजरी, तो औरंगजेब ने गुरु हर राय के पास एक आदेश भेजा और इनको अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, ठीक है। जब गुरु हर राय को उपस्थित होने का आदेश दिया गया दरबार में, गुरु हर राय स्वयं जाकर के उन्होंने अपने पुत्र राम राय को गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा, ठीक है, और इनको भेजा था गुरु हर राय ने और राम राय को कि जाकर के जो भी कंडीशन रखे उसको मना कर देना है, ठीक है। लेकिन जो राम राय है, राम राय ने जाकर के औरंगजेब का वहां पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया और एक तरीके से राम राय पूरी तरीके से औरंगजेब के फेवर में हो गया। ये बात गुरु हर राय को काफी बुरी लगी और इसके कारण इन्होंने अपने बड़े पुत्र जो कि बड़ा पुत्र राम राय था, इस बड़े पुत्र राम राय को अपना उत्तराधिकारी न बना करके इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को, ठीक है। गुरु हरकिशन इन्हीं को बालक गुरु भी कहा जाता है, तकरीबन 8 वर्ष की अवस्था में ये गुरु गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है, तो इन्हीं को गुरु हरकिशन को बालक गुरु भी कहा जाता है। तो गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को उत्तराधिकारी न बना करके अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसको बालक गुरु भी कहा जाता है। गुरु गद्दी पर बैठते ही गुरु हरकिशन और राम राय के बीच में एक युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध। उस युद्ध में हरकिशन के जो समर्थक हैं या जो हरकिशन हरकिशन तो क्या है गूगल पे भी 8 साल की है, तो इनके जो है समर्थन में तो अभी सी बात है कि जो इनका गार्जियन है कोई और होगा, तो इनके जो संरक्षक है वो तो जीत जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात
चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चेचक से गुरु हरिकृष्ण की मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी, यानी बहुत ही कम समय के लिए, केवल 4 वर्ष के लिए एक गुरु गद्दी पर बैठते हैं। इसके पश्चात अगले गुरु बनेंगे नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर अगले गुरु बनते हैं। जो गुरु तेग बहादुर है ये गुरु हर गोविंद के पुत्र थे, जो हमें 6वें गुरु देंगे ना गुरु हर गोविंद, उन्हें हर गोविंद के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर है इनसे औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन जब गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते तो औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है। और हत्या कहां की जाती है, तो जो चांदनी पुराने दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहीं पर जो गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा शीशगंज है, ठीक है, वहीं पर औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया जाता है। ठीक है, और ये जब सर काट दिया गया तेग बहादुर का, इसी वजह से उस क्षेत्र वो जो जो जगह है जहां पर सिर काटा गया था वो जगह सिखों के लिए पवित्र जगह हो गई, और वही जगह क्या है, वही जगह है शीशगंज साहिब। ठीक है, पुरानी दिल्ली है तो जो चांदनी चौक है वहां पर जो गुरुद्वारा है चांदनी चौक में वो क्या है, वो है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहां पर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न किए जाने के कारण औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में देख दिया, 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इनके सर काट दिया गया और इनको गर्भ दे दिया गया। ये दूसरे गुरु है जिनको मुस्लिम शासक के द्वारा इस्लाम स्वीकार न करने की वजह से दंड दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की। 10वें गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह है, यानी गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की, यही 10वें और अंतिम गुरु भी हैं, तो यही हम कह सकते हैं कि ये अंतिम गुरु है। ठीक है, आपका दूसरा क्या क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की कब, 699 में। देखिए 1675 में जब गुरु तेग बहादुर की हत्या हो गई उसी के बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु गद्दी पर बैठ गए, और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, अंतिम गुरु यही है। इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया, गुरु पद को समाप्त कर दिया, इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, और जो गुरु की जो पूरी आस्था है, जो पूरी एक लेकिन जो सत्ता है वो आदि ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में सौंप दी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अब कोई गुरु होगा नहीं, अब जो सर्व प्रमुख है इस संप्रदाय का वो कौन है, वो धार्मिक पुस्तक यानी गुरु ग्रंथ साहिब है। इन्हीं के द्वारा एक और ग्रंथ की का संकलन किया गया, एक ग्रंथ का संकलन किया गया, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उस ग्रंथ का नाम है 10वां पातशाह। इनके द्वारा एक ग्रंथ का संकलन किया गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है, 10वां पातशाह। इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह के जो संदेश है, जो शिक्षाएं, जो उनके विचार हैं, ठीक है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के उपदेश और विचारों का संकलन है। ठीक है, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ का संकलन किया गया 10वां पातशाह, जिसमें इनके उपदेश और विचारों को संकलित किया गया है। इन्होंने गुरु जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब उसमें ही गुरु की सत्ता स्थानांतरित कर दी। ठीक, और गुरु का पद इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, जो पंच ककार है, पंच ककार भी इन्हीं द्वारा स्थापित किया गया, खालसा पंथ के द्वारा जो सिख धर्म, सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनको सैन्य दृष्टि से मजबूत सशक्त करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा ही खालसा पंथ को फॉलो करने वाले खालसा पंथ के जो फॉलोअर हैं उनको सिंह और कौर की टाइटल दी गई। ठीक है, ये सब बात हम कैदी कर चुके हैं। फिर देखते हैं इन्होंने जो है, अब इन्होंने चूंकि देखिए गुरु का पद समाप्ति कर दिया था, इन्होंने एक व्यक्ति थे बंदा बहादुर, बंदा बहादुर को इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में, जो सिख हैं पंजाब के क्षेत्र में सिखों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए इन्होंने बंदा बहादुर जिसका नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, बंदा बहादुर जिसका नाम लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण देव इनका गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, इसको इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में भेजा, जो वहां के जो सिख था उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए या राजनीतिक रूप से संकेत करने के लिए।
अब जब गुरु गोविंद सिंह की जरूरत हो गई तो ये जो बंदा बहादुर है इन्होंने यही जो है गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षाएं जो संदेश है इसको समाज में प्रचारित करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, पंजाब में जाकर इन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना प्रारंभ किया। बंदा बहादुर ने भी अब इनके भी उसमें इन्होंने एक तरह कहा जाए कि जो सिख संप्रदाय की जो सैन्य टुकड़ी का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने उसका इन्होंने नेतृत्व किया और इन्होंने भी कभी भी जो इस्लाम है इस्लाम को इस्लाम के विरुद्ध हमेशा ही युद्ध लड़ते रहे। ठीक, 1716 ईस्वी में फर्रुख शियर के द्वारा मुगल शासक फर्रुख शियर के द्वारा बंदा बहादुर की भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, 1716 में फर्रुख शियर के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करा दी गई। ठीक है, तो ये मुख्य हमने देख लिया गुरु, इनको गुरु नहीं कहेंगे बट बंदा बहादुर भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये तो गुरु हो गए, सिख धर्म हो गया। अब हम लोग कुछ बातें देखेंगे सिख धर्म संबंधित जो इनके प्रमुख स्थल है। ठीक है, कुछ प्रमुख स्थलों को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। चलो प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो जब हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गुरुद्वारे की बात करते हैं तो कौन है, यह है हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब इसको हम लोग स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, गोल्डन टेम्पल। कहां पर है? अमृतसर पंजाब में। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? हरमिंदर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ओल्डेस्ट की अगर बात करें तो ओल्डेस्ट है गुरुद्वारा इसको कहते हैं गुरुद्वारा गायघाट, कहां पर है? बिहार में। ठीक है, ओल्डेस्ट गुरुद्वारा कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, यानी बिहार के पटना में कहा जाए तो बिहार के पटना में है। ठीक है, ओल्डेस्ट गुरुद्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया, ओल्डेस्ट हो गया। पांच अगर तत्वों की बात करें, पांच तत्व कौन कौन से हैं, ये भी काफी देखिए क्वेश्चन इससे यहां से पूछने की संभावना है। पांच तत्व कौन से हैं? ठीक है, सिख धर्म के जो पांच प्रमुख तत्व हैं ये कौन से हैं? तो देखिए एक तो हो गया हरमिंदर साहब, फिर अकाल तख्त, हरमिंदर साहेब पंजाब में, अकाल तख्त पटना साहिब, ठीक, हरमिंदर साहिब हो गए, अकाल तख्त हो गए, पटना साहिब हो गए, हुजूर साहिब और आनंदपुर साहिब। हुजूर साहिब और आनंदपुर साहेब, देखिए यहीं से यहीं पे कॉरिडोर भारत और ये जो कि ये है आनंदपुर पंजाब में है जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, तो इसी के लिए कॉरिडोर की बनाने की बात चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ये कहां पर है? ये पंजाब में है लेकिन पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, आनंदपुर पंजाब में है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तख्त हुजूर साहिब जो है ये महाराष्ट्र में है। हुजूर साहेब महाराष्ट्र, लेकिन पांच तख्त हो गए, हरमिंदर साहेब, अकाल तख्त, पटना साहेब, हुजूर साहेब और आनंदपुर साहेब, जिसमें से जो आनंदपुर साहेब है ये कहां है? पंजाब पाकिस्तान में है और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनने की बात चली थी ताकि जो सिख धर्म के जो फॉलोअर है वो आनंदपुर साहिब की यात्रा कर सके। ये भी ये सिख धर्म संप्रदाय में इसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चार धर्म की तीर्थ यात्रा है वैसे ही सिख धर्म के फॉलोअर हैं वो इसको मानते हैं अपनी तीर्थ यात्रा के तौर पर। ठीक है, अब कुछ अगर प्रमुख गुरुद्वारों की बात करें, कुछ प्रमुख अन्य गुरुद्वारों की बात करें, प्रमुख अन्य गुरुद्वारे, ठीक है, हमने सबसे बड़े की बात कर ली, सबसे पुराने की बात कर ली, पांच
पांच तत्वों की बात कर ली, आप प्रमुख बोल पा रहे हैं लेकिन ननकाना साहिब, ननकाना साहिब ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, शीशगंज साहिब, अभी हमने बात की शीशगंज साहिब कहां पर है, तो पुरानी दिल्ली वही चांदनी चौक। ठीक, तीसरा बंगला साहिब, बंगला साहिब कहां पर है, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, एक है कोंटा साहिब, कोंटा साहिब यमुना नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी के किनारे में है कोंटा साहिब, बंगला साहिब हो गया। ठीक है, एक है हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए तो पांच प्रमुख गुरुद्वारे ननकाना साहिब, शीशगंज साहिब पुरानी दिल्ली यहीं पर गुरु तेग बहादुर का जहां काटा गया था, बंगला साहिब नई दिल्ली, कोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड। पांच तक हरविंदर साहिब, अकाल तक पटना साहिब, हुजूर साहिब और आनंदपुर साहिब। ठीक है, सबसे बड़ा हरविंदर साहिब अमृतसर, उसकी हम लोगों ने तो इस तरीके से हम लोगों ने आज चार तरफ आज देखी हम लोगों ने। अब बसते हैं आपके बौद्ध और जैन, तो इस बौद्ध और जैन की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, थैंक यू।